गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रेमेडियल की वर्कशीट करेंगे और हमारा क्वेश्चन वन है राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब क्या होता है? वो वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बोलने में, जैसे कि डांस, चांस। इसी तरह से आपको इन बाकी वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, से का गो, स्कूल का साई का, लेस का। सेलेक्ट द वर्ड्स इन द ब्लैंक्स, आपको इसमें से वर्ड लेके सही वर्ड को चूज़ करके और इसमें फिल करना है। वन ऑफ हिज डैश हैज़ बीन इंजर्ड, फ्रेंड या फ्रेंड्स, उसका एक दोस्त, उसको हैज़ है मतलब कि सिंगुलर है, यानी कि फ्रेंड, उसका एक दोस्त है जो वो घायल हो गया है। I have decided to spend dash of my money. मैंने अपना कुछ पैसा खर्च करने की सोची। Some, यहाँ पर फिल कर लेंगे। Some of the luggage मतलब सामान। Some of the luggage dash not yet arrived, अभी तक नहीं आया है। Luggage यानी कि सिंगुलर है, यानी कि उसके साथ आएगा has। Most of the visitors डैश स्ट्रेंजर्स टू मी, विजिटर्स मतलब आने वाले, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, उनमें से ज़्यादातर जो अजनबी थे वो मेरे लिए क्या थे, ज़्यादातर आने वाले मेरे लिए अजनबी थे। तो विजिटर्स एस लगाया तो यानी प्लूरल है, इसका मतलब वर। मोस्ट ऑफ द टाइम डैश स्पेंड गोइंग हेयर एंड देयर, टाइम ज़्यादातर टाइम इधर उधर निकल गया, वाज। वन ऑफ द डैश इंजर्ड, उनमें से द एक खिलाड़ी घायल हो गया, प्लेयर वाज या प्लेयर्स वर, वन बोला है तो प्लेयर वाज। डैश ऑफ द मिल्क हैज़ बीन यूज्ड अप, मच या मैनी, किसी भी मतलब ऐसी चीज़ के लिए हम मच यूज़ करते हैं। मच ऑफ द मिल्क हैज़ बीन यूज्ड अप, ज़्यादातर जो वो है दूध यूज़ हो गया। नेक्स्ट आपको कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। कर्सिव राइटिंग में आपको डेज ऑफ द वीक लिखने हैं, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम। एस यू एन डी ए वाई संडे, एम ओ एन डी ए वाई मंडे, टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेडनसडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे, F R I D A Y Friday, S A T U R D A Y Saturday, इनको आपको यहाँ पे लिखना है कर्सिव राइटिंग में अच्छे से और इनको याद भी करना है। थैंक यू।